कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज हम दोनों बहन भाई घर पे रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे थे। हम यहाँ हरा डालने के लिए आए थे। यहाँ पे गाय सेवा के जो मेंबर थे वो सेवा कर रहे थे, यहाँ रखड़ी बांध रहे थे। मैंने अपना रखड़ी का त्योहार शिव के रखड़ी बांध कर बनाया। ये हमारी गौ सेवा परिवार की लाडली खुशी है। ये बहुत ही नटखट है और शरारती भी है। आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर माँ वैष्णो भजन मंडली, जो गौ सेवा परिवार ने गौ माता के साथ रक्षाबंधन मनाने का जो एक नया संकल्प लिया है, माँ वैष्णो भजन मंडली इस पावन अवसर पर यहाँ पर आकर गर्वित महसूस कर रहा है। ये जो लाडला बच्चा है, ये शिवरात्रि वाले दिन हुआ था। इसका नाम हमने शिव रखा है। हम भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं कि इसकी आयु लंबी हो और स्वस्थ रहे और हमारे गौ सेवा परिवार के साथ हंसता खेलता रहे। तो हमने देखा कि गौ सेवा परिवार में गौओं को राखी बनाने का मौका दिया गया है। हम लोगों ने भी रखड़ी बांधे और त्यौहार बढ़िया मनाए। इस वजह से आप लोग भी सारे जने आओ, रखड़ी बनवाओ, बांधो गाय को, खुशी खुशी ये त्यौहार मनाओ। और मैंने भी आज ये राखी का त्यौहार खुशी के राखी बांध कर मनाया। जय गौ माता। तो आज हम दोनों बहन भाई गौओं को राखी बांधने आए और ईश्वर से प्रार्थना की कि इनकी हेल्थ हमेशा ठीक रहे। आप सभी भी यहाँ पे आके गौओं को राखी बांधिए। हम भी गौ सेवा की रक्षा करने के प्रबंध लेते हैं। गौ हत्या बंद करें। जय गोपाल। हर हर महादेव। और सभी भारतवासियों से, सभी लोगों से ये प्रार्थना करता है कि जीव हत्या बंद होनी चाहिए। जैसे ये गौ सेवा परिवार गौओं की सेवा कर रहा है, बीमार गौओं की इतनी सेवा कर रहा है, वैसे हम सबको जीव हत्या बंद करके गौ माता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करनी चाहिए। माँ वैष्णो भजन मंडली आज गौ माता के साथ रक्षाबंधन मनाकर एक नया अनुभव मिला और आगे से भी हम इसी प्रकार गौ माता की सेवा करने का वचन देते हैं, प्रण देते हैं। और गौ सेवा परिवार की इतनी जो सेवा ये बीमार गौओं की करते हैं, इसके आगे हमारा जो सर नतमस्तक है। और इनकी सेवा के आगे परमात्मा से यही प्रार्थना है कि इनकी सेवा को परमात्मा और तरक्की दे और आगे से बल दे कि ये इसी प्रकार गौ माता की सेवा करते रहें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।